वहाँ पे आपको किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं सीजन मास नंबर के लिए वो हमने देखा है। ठीक ओके स्टूडेंट, तो आज हमें अभी मास पैराबोला जो इवन नंबर है और हमने दोनों देखा कि मास पैराबोला रिलेशन में हमें जो उनका नेचर मिलेगा ग्राफ में, एम वर्सेस जेड का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आपको पैराबोला नेचर मिलता है और वहाँ से आप उनकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबल एलिमेंट कौन से है आइसोबार फैमिली में वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट वी लास्ट जो हमने डिस्कस किया लेट वी रिवाइज वंस अगेन। ओके, और हम वहाँ पर उन्हें कंसेप्चुअली पढ़ भी ले कि वहाँ पर क्या कह रहा है और हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं दैट वी ऑल्सो वी कैन चेक। अभी डिस्कस द मास नंबर ए बी वन एंड फिक्स वैल्यू हमने लिया है वहाँ पर, तो उन्हें यहाँ पर ये कंसेप्ट लेके हम चल रहे हैं कि इवन मास नंबर लिया और वो फिक्स वैल्यू रख रहे हैं नॉट ए वेरिएबल, और सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला ले रहे हैं और यहाँ पर क्या होगा इवन मास नंबर है तो पेयरिंग इफेक्ट वहाँ पर लगती है, पेयरिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं इवन मास नंबर है इसमें मास नंबर इवन ए। ओके, और जेड और एन आपके ओड है, ये दोनों वैल्यू ओड टर्म आपको मिल रही है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ओड पेयरिंग रहता है तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होता है, लेकिन जब मास एनर्जी फार्मूला देखोगे तो प्लस हो जाता है क्योंकि तो हम जो फार्मूला लिखते हैं मास फाइंड करने के लिए वहाँ पर हम देखते हैं माइनस भी बाइंडिंग एनर्जी टर्म मिलता है, ये बाइंडिंग एनर्जी टर्म है इसलिए ये मास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जब आप इवन मास नंबर लेते हो और जेड और एन इवन इवन मिल रहे हैं दोनों इवन इवन टर्म आ रहा है तो ये तो वहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। अब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है तो मास एनर्जी का आप रिलेशन देखोगे मास एनर्जी क्या होगा वो कम होता है नेगेटिव हो जाता है, इफ सब्स्टिट्यूट बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव है तो माइनस दिस प्लस साइन तो ये मास एनर्जी क्या होगा कम होगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है इवन इवन टर्म में मास एनर्जी रिलेशन कम हो जाता है और ओड ओड टर्म में मास एनर्जी रिलेशन बढ़ जाता है, ये दोनों आपको टर्म याद ध्यान देना है। ओके, अब हम देखें कि भाई ये जो हमारा इक्वेशन है वो हमें इस तरह से मिल रहा है ए प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, और ये देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसा है पैराबोलिक इक्वेशन है। अब उसको मास वर्सेस जेड का आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको इस तरह से दो कर्व मिलेंगे, ओड ओड न्यूक्लियर के लिए एक मिलेगा रिजल्ट। ओके, जो ओड नंबर है उनके लिए मास एनर्जी रिलेशन आपको इस तरह से मिलेंगे, और इवन इवन है मतलब जेड और एन इवन है उसके लिए आपको इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप वेरी कर रहे हो तो हम जेड हमने एक नेचरली जो कैलकुलेशन किया है प्रैक्टिकल रिजल्ट वो हम यूज़ कर रहे हैं, जेड दिया आपका ये नंबर 50 to 56 और मास नंबर है आपको 127.89 to 127.90 ये वैल्यू तक है। अब यहाँ पर आप देखते हो एट जेड 50 इंडियम आ रहा है, फिर 51 पे शॉन्शियम है, 52 पे एंटी मनी है। ओके, फिर आपके यहाँ पर 51 52 ओके दैट विल बी टेलुरियम, 53 पे आयोडीन है, ओके 49 पर इंडियम है दिस विल बी एट 49 यहाँ पर और एक वैल्यू आएगा वो आप 49 यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दट इज फॉर 49 वैल्यू इंडियम, शॉन्शियम के लिए 50, एंटीमनी 51, टेलुरियम 52, आयोडीन 53 मिल रहा है, उसकी मास एनर्जी आप देख सकते हो जो मास एनर्जी मिल रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पर प्लॉट कर दीजिए, 54 पर ज़ेनॉन है उसकी मास एनर्जी कम आ रही है, 55 पे सीजियम मास एनर्जी ज़्यादा है उससे ज़्यादा बेरियम का मास एनर्जी मिल रहा है। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये पूरे यहाँ पर जो हम आप उसका नेचर लोड करोगे तो आपको वो पैराबोला नेचर मिलेगा। अब यहाँ पे दो स्टेबल न्यूक्लियर मिल रहे हैं दैट विल बी फर्स्ट विद ज़ेनॉन, वो एक स्टेबल न्यूक्लियर मिल रहा है और एक टेलुरियम स्टेबल न्यूक्लियर, तो ये जो अनस्टेबल एलिमेंट है बेरियम है सीजियम है इंडियम है वो क्या करेंगे बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके करके वो वहाँ पर स्टेबल होने का ट्राई करेंगे।
तो ये बैरियम गोइंग टू सीजियम बीटा प्लस डी के, और सीजियम बीटा प्लस डी के करके ज़ेनॉन की ओर आए। डबल बीटा प्लस डी के नेचर में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट जंप करके ज़ेनॉन बन जाए, लेकिन वन बाय वन बीटा प्लस डी के करते करते वो अपने स्टेबल एलिमेंट की ओर जा रहे। जैसे यहाँ पर इंडियम है, ओके, तो ये बीटा माइनस डी के करते करते टेलुरियम बन सकते हैं। आयोडीन की दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इट विल बी बीटा प्लस और आइदर इट विल बी बीटा माइनस, वो दोनों पॉसिबिलिटी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट लेके हमने यहाँ पर इवन मास नंबर के लिए पढ़ लिया था, और उनको हमने फ्लोटिंग के लिए देखा। ओड नंबर के लिए आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, इवन के लिए आप कर सकते हो, आप चाहे तो अपने हैंड कैलकुलेशन भी करके आप अपना फ्लोटिंग कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी यू गो फॉर एक्सेल, और कहीं आपके पास लैपटॉप नहीं हो तो घर पे भी आप इनके कैलकुलेशन करके फ्लोटिंग कर सकते हो। और आपके पास है फैसिलिटीज तो आप एक्सेल पे उनकी वैल्यू सब पुट करके कर सकते हो। जो लास्ट क्लास हमने ओड ए के लिए किया था, और इवन ए के लिए भी मैंने कल ट्राई आउट किया था, लेकिन वहाँ पर डिफिकल्टीज आ रही थी, तो दैट वी सॉल्व दैट डिफिकल्टीज। और उनकी और कोई कंसेप्ट है तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो कल हमने देखा कि एक्सेल में ओड ए और इवन ए, तो ओड ए के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, सी दिस ओड ए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने जेड नंबर प्लॉट किया है, ओके, ए नंबर मैंने 27 लिया था। आप आज हम चेंज करके भी देख सकते हैं, टेक फॉर अनदर वैल्यूज, ओके। तो हम वहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल नंबर है, वहाँ पर वो कैलकुलेशन करके आ रहा है। फिर ये वैल्यूज जो थी, ए हमने ओड फिक्स वैल्यू ले लिया था, फॉर दिस ए इक्वल टू ए इज ओड और फिक्स वैल्यू है, ओड नंबर लिया ए और वो फिक्स वैल्यू है, इतना हमने ध्यान रखना है। और जेड हम वेरी कर रहे हैं 11 से लेके 16 तक, उसी हिसाब से न्यूट्रॉन नंबर आपको कैलकुलेशन मिल रहा है। फिर जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन, आपको क्लियर दिखे इसलिए आई विल जूम, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन। तो आप ये कर लीजिए कैलकुलेशन फॉर्मूला में, मास ऑफ प्रोटोन है 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट इंटू दिस 931.5, तो आप उसे देख सकते हो, कैलकुलेट करो, देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। और सभी के लिए आप जेड इंटू मास ऑफ प्रोटोन कैलकुलेट कर लो, एन इंटू न्यूट्रॉन नंबर इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू दिस, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस वैल्यू 931.5। इफ यू ब्रॉडर दैट पॉइंट तो आपको ऊपर यहाँ पर दिखेगा इस लाइन पे, ये फार्मूला है ये। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिल जाएगी। ए वी इंटू ए मैंने कर लिया है, ओके, कॉन्स्टेंट वैल्यू 15.5 mV इंटू मास नंबर। फिर सरफेस टर्म ऐसे कूलम टर्म एसिमेट्रिक टर्म हमने कैलकुलेशन कर लिया जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, और वो आपको मासिस मिल जाएगा, एमवी में मिलेगा, और उसको आपको एएमवी में कन्वर्ट कर देना है। तो नियरली जो मास नंबर है हमने 27 लिया था, एज पर द मास एनर्जी रिलेशन और एज पर द सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हमें एएमयू में इतना मिल रहा है 26.97020298, जो हमने A27 लिया था, आप देख सकते हो, ओके। तो गो फॉर दैट। तो यहाँ पर आप देखिए कि वो आपको मासेज जो मिल रहा है 9795695095019209777, तो आप उन्हें प्लॉट कर लीजिए, एम ले लीजिए और जेड का नंबर ले लीजिए, और उनका ग्राफ प्लॉट करते हो आप, तो यू कैन गेट लाइक दिस ग्राफ, एम वर्सेस जेड मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, एम ऑन वाई एक्सिस एंड जेड ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको ये पाराबोला रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो नंबर है तो 13 वाला नंबर दिस, ओके, आप यहाँ पर पॉइंट देखो 13 नंबर है और उसका मास है 26.950 2572, तो वो है स्टेबल एलिमेंट। और बाकी आसपास के जो एलिमेंट है जिसकी मास एनर्जी कम है, वेरी वेरी लाइट, वो स्टेबल न्यूक्लियर, बाकी जो आइसोबार फैमिली है वो अनस्टेबल है, वो बीटा प्लस डी के करते करते स्टेबिलिटी की ओर आएगा। क्लियर, दैट इज फॉर ओड ए। यहाँ पर पेयरिंग इफेक्ट नहीं लगता है, ओड ए होता है तो पेयरिंग इफेक्ट नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो हमने जो पूरी कैलकुलेशन की है वहाँ पर हमने ए सिमेट्री के बाद पेयरिंग इफेक्ट इंक्लूड नहीं किया, ओके, तो
आपको मास एनर्जी जो हमने ये कैलकुलेट किया है उसकी फॉर्मूला आपको पता ही है, जेड इंटू एम पी प्लस दिस एन इंटू एम एन माइनस दिस सम, ओके, प्लस प्लस एन प्लस प्लस ए सिम सरफेस टर्म प्लस कूलम टर्म प्लस ए सिमेट्रिक इफेक्ट, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये प्लस करके रख दीजिए रिजल्ट दिस रिजल्ट, और उसको ये एम ई में है, एम ई में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड कर देना है 931.5। तो वेरी इजी, आप उनको ओड ए में तो अपलोड कर सकते हो, और आपने घर पे प्रैक्टिस भी किया होगा, लास्ट टू लास्ट क्लास हमने ये पढ़ा था ऑन मंडे, मैंने बताया था कि आप घर पे ट्राई करना। एनी स्टूडेंट्स ट्राई आउट दिस पार्ट, किसी स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन किया? सर वो किया था पर वो ग्राफ नहीं मिल ये रहा मास था एनर्जी वाला किया था इसी ये? तरह। हाँ सर वो ही किया था पर वो ग्राफ नहीं मिल रहा था एक ऐसा। बार चेक करना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी देखो आपके सामने ही मैंने ये कैलकुलेशन रखी है, आप अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो साथ साथ, हाँ सर फिर से देख लूंगी एक बार। ओके। बाकी हाँ स्टूडेंट सर स्टूडेंट ये कैलकुलेशन करना तो आप आपको फीलिंग आएगा कि हाँ इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपके बुक में रिजल्ट दिए होते हैं और ये ग्राफ प्लॉट किया होता है उनसे वो समझाते हैं, लेकिन उनकी आप कैलकुलेशन करोगे देन यू विल फील कि भाई हर एक न्यूक्लियस में वॉल्यूम टर्म का कैसा रोल रहता है, उसकी वैल्यू क्या रहती है। एनी में आप देखोगे फिर सरफेस टर्म का, कूलम टर्म का इफेक्ट क्या होता है, एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, टीयरिंग इफेक्ट क्या होती है, प्लस होता है माइनस होता है, ये आप फील कर सकते हो। सब एक कैलकुलेशन करोगे, फिर सभी के लिए आपको चेक नहीं करना है, लेकिन एक दो कैलकुलेशन अपने आप करोगे बाय ऑन हैंड कैलकुलेशन, तो भी आप उसको समझ पाओगे कि हाँ ये रिजल्ट कितना आ रहा है और कितना इफेक्ट करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और उससे मास एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो हम एक्चुअल फिक्स मास ले रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से हमें कितने मासेस मिल रहे हैं, मास एनर्जी रिलेशन से हमें उसका क्या मिल रहा है रिजल्ट, वो आप चेक कर सकते हो और उसको प्लॉट कर लें। तो यू गेट सम आइडिया एज वेल एज फीलिंग के जो हम थियरी पढ़ रहे हैं उसके रिजल्ट जो बुक में दिए हैं, या तो आपको रिसर्च पेपर में देखोगे तो इनके आपको मिलेंगे पुराने पेपर्स में, ये सब रिजल्ट कैलकुलेट किए हुए रहते हैं, ओके। और वेक्टर और उस टाइम उन लोगों ने किया होगा, मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी कंप्यूटर हाई फैसिलिटी थी उन लोगों के पास, लेकिन उन लोगों ने हैंड कैलकुलेशन से यूज़ किए होंगे ज़्यादातर, 1934 के आसपास ये सब उनका आ चुका है रिजल्ट। तो देखिए उन बंदों ने तो बहुत सारी मेहनत करके ही हमें सब समझाया है, और हम उन्हीं का हेल्प लेके हम समझ रहे हैं, ओके। तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो। अब मैंने यहाँ पर क्लास क्लास इवन मार्क नंबर के लिए ट्राई आउट किया था, और मैंने बताया था कि कुछ डिफिकल्टीज आ रही है वहाँ पर, तो मैंने ट्राई आउट किया है सॉल्व करने का, लेकिन एक बार मैं आपको पहले बता दूँ कि हमने क्या लिया था। जेड इवन नंबर, हम अब देखो इवन ए लिया है, ये फॉर ए इक्वल टू दैट इज फॉर इवन मार्क्स नंबर है, नॉट फॉर ऑड। सेम एक्सेल सीटी सेम जो मैंने लिया था वही यहाँ पे सभी वही वैल्यूज ली है, वही फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन एक जो ये टर्म है ए पी ए रेस टू 3/4, अब वो इंक्लूड होगी, पेयरिंग इफेक्ट यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब लास्ट हमने अभी ही रिविजन सेशन में मैंने बता दिया कि भाई इवन इवन टर्म है आपका, ए तो इवन ले लिया, जेड और एन इवन है, जेड भी इवन 54 एन 74 दोनों इवन इवन है, तो पेयरिंग टर्म क्या होगी, एपी जो है एपी डिवाइड बाई रेस टू 3/4 पेयरिंग टर्म प्लस होगा, तो जहाँ जहाँ ये इवन इवन आ रहे हैं उसमें प्लस करना है, और ओड ओड टर्म है, सपोज आपने 55 लिया जेड, तो आपको न्यूट्रॉन नंबर मिल रहा है 73, ए तो हमने लिया है 128, वो मैंने फिक्स इवन नंबर ए 128, तो आप ओड ले रहे हो 55 ले रहे हो जेड नंबर, तो आपको न्यूट्रॉन नंबर 73 मिल रहा है, तो वो जो पेयरिंग टर्म होगा ये आपका पेयरिंग टर्म वो माइनस करना है, ये आप कैलकुलेशन कर लो लास्ट कैलकुलेशन में उसको माइनस करना है, बाकी तो सेम का सेम है, वही टर्म है सभी, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, वॉल्यूम टर्म इंटू कॉन्स्टेंट ए, सरफेस टर्म इंटू ए रेस टू 2/3, कूलम्ब इफेक्ट ए सी इंटू जेड -1 डिवाइड बाई ए रेस टू 1/3, ए सीमेट्रिक इफेक्ट उसी की सेम फॉर्मूला है -2z² / a और पेयरिंग टर्म,
तो आप यहाँ पे अब इसका कैलकुलेशन करोगे पेयरिंग टर्म का, तो पेयरिंग टर्म की ये कैलकुलेशन बताइए, ए ले लिया और ए रेज टू 3/4, तो आपको ये कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको आप ले लीजिए। अब मास आपको कैलकुलेट करना है, तो ये z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस दिस टर्म, बाकी सब प्लस, क्योंकि ये क्या है z और n इवन है तो वो प्लस होंगे, एक ही माइनस टर्म, बाकी पेयरिंग टर्म क्या होगा, ये J6 दिया है, दैट विल बी प्लस टर्म। ओके, तो यहाँ पर आप उन्हें कौन सी टर्म आपको लेना है, पेयरिंग टर्म अब आप रख दी। अगेन आपके रेफरेंस के लिए आप ये ले लीजिए, इक्वल टू प्लस दिस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस वॉल्यूम टर्म प्लस सरफेस टर्म प्लस कूलम्ब इफेक्ट प्लस एसीमेट्रिक इफेक्ट प्लस फेयरिंग इफेक्ट। ओके, और ये आप कर दीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, और जेड इक्वल टू 54 और ए इक्वल टू 120, तो उसके लिए पूरे रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब उसको आप एएमयू में कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको रिजल्ट कुछ ये मिला है 127.52, हमने लिया था 128 तब, देखिए नियरली कल कुछ रिजल्ट 137 के आसपास आ रहा था, इसलिए मैंने लगा कैलकुलेशन में गलती थी थोड़ी, क्योंकि कॉन्स्टेंट ए जो हमने लास्ट लिया था ओड ए में वो कैलकुलेट कर रहा था, तो नियरली हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो आ ही रहा है कि मास नंबर जो लिया उसके आसपास ये एम आना चाहिए, एम। तो आप देख सकते हो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इवन के लिए हमने ले लिया था। ओके, सेम आपको ये इवन नंबर के लिए वो प्लस देंगे सर। अब जब आप ओड ले लेते हो तो फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही चेंज होगा, यहाँ पे आपको माइनस ये पे आएगा माइनस दिस जे प्लस। ओके, और उसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट आ रहे हैं आपके, और वो रिजल्ट के बेस पर आप देखोगे तो आपको में आपको मिल रहा है। ओके, अब ये आप देखोगे कि यहाँ पर उसकी बेस पे आप देखोगे 127.458, ये आपने थोड़ा लोड करने का ट्राई करो प्रिसाइज वे, ये 67 का आ रहा है 127.458, और 68 का आ रहा है 127.4। ओके, वी ट्राई फॉर देट, हमें कुछ रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे हम चेक कर लेते हैं। तो हमने जेड जो नंबर लिया था और ए मास नंबर लिया था उन्हीं की अभी वैल्यू में चाहिए और उनका एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम थोड़ा प्रॉपर वे उन्हें लिख देते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से लीनियरली डिक्रीज आ रहा है, 52, 55, 53, 54, उस तरह से लेख के लिए एक बार हम उन्हें फिर से एक बार लिख लें प्रॉपरली, तो दैट इक्वल टू 54 127.52 127.50 आ रहा है यहाँ पर इसका, 55 के 56 भी कम हो रहा है, 57 59 वो भी कम आ रहा है यहाँ पर हमारा रिजल्ट, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो 61 जो हम देख रहे हैं 127.45 वो कम हो रहा है 62 127.458। ओके, 63 पे इससे क्या हो रहा है कम हो रहा है 455। ओके, तो ये रिजल्ट आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ उनके एक फैक्टर रहते हैं नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, वो हमें करके इनका रिजल्ट चेक करना रहेगा। यहाँ तक तो हमारी कैलकुलेशन सही आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पर एक कोई एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है जो कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं, और उससे जो रिजल्ट मिलता है वो मास कंसीडर करके ग्राफ प्लॉट करते हो तो पैराबोला एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अभी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो लीनियरली यहाँ पर डिक्रीजिंग आ रहा है, तो
लेकिन एक फैक्टर रहता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेशन में फॉर इवन मास नंबर, वो हमें चेक करना है कि वो क्या रहेगा। और वो रिजल्ट तो अभी यहाँ बुक में नहीं दिए, बट कहीं मुझे स्टैंडर्ड कोई रेफरेंस मिल जाए तो उससे लेके यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, और उसके बेस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमें एग्जैक्टली जो ये ओड पे मिल रहा है पैराबोला रिजल्ट, वो पैराबोला रिजल्ट हमें मिल जाए। लेकिन इवन के लिए भी इतनी कैलकुलेशन है, आप ये इतनी कैलकुलेशन करके रख सकते हो। अब उनकी नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आई वांट टू चेक कि वहाँ पर उनका रिजल्ट हमें किस तरह से मिलेगा आगे, क्योंकि एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी ऐड करते हैं, इसीलिए इसको सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला कहते हैं। दोनों रिजल्ट यूज करना होता है, प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल। और एक वहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर हमें ऐड करना होगा फॉर इवन मास नंबर। तो अभी तक के लिए कंसर्न्स और रिजल्ट ये है। तो इफ एनी स्टूडेंट हैज एनी क्वारी और डाउट ना, हमने ये पूरा जो नया टॉपिक लिया है, जो स्टार्टअप किया था, बाइंडिंग एनर्जी पर, न्यूक्लियॉन्स एंड मास नंबर से हमने स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, उनके ग्राफ प्लॉटिंग, फिर लेटर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया, उनके बाद उनके एप्लीकेशन देख रहे। एप्लीकेशन में हमने फर्स्ट एप्लीकेशन देखा कि हमारे पास मास नंबर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं। एक एप्लीकेशन हमने देख के फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, दैट इक्वल टू ई बाई टू। यहाँ पर वो लास्ट क्लास हमने रिजल्ट डिराइव किया था, दैट इक्वल टू ई बाई टू, एंड ब्रैकेट में लिखा था हमने 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.0078 8:2 2/3, जो रिजल्ट हमने लास्ट टू लास्ट क्लास वो डिराइव किया है 14th, आज हमने वो डिराइव कर दिया था। उनकी फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो हमने डिराइव कर लिया, तो वहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे लिया था फर्स्ट एप्लीकेशन, और उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा था, दैट वी सी द रिजल्ट, दैट ये रिजल्ट आपको वहाँ पे आ रहा है। देखो दिस सिंप्लीफाई करते करते लास्ट हमें ये रिजल्ट मिल रहा था। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कि आपके पास मास नंबर कितना है, तो जेड आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ये सेकंड एप्लीकेशन मास पैराबोला है। तो अभी तक हमने ये बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट और सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला के रिजल्ट हमने देखे और उनके एप्लीकेशन भी डिस्कस की। इफ एनी स्टूडेंट हैज डाउट अप टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क। हेलो सर, हाँ बोलिए। सर आपણે જે બાઇન્ડિંગ એનર્જી નું ઇક્વેશન લીધું હતું તેમાં વોલ્યુમ ટર્મ સરફેસ ટર્મ માટે જે કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ લીધી હતી, તો મેં એવી અને એના માટે જે કોન્સ્ટન્ટ આપણે લીધી હતી ને વેલ્યુ 23 મેગા બરાબર ઇલેક્ટ્રોન, તો હું એક બીજી બુકમાં રીડ કરતો હતો ને તો એમાં ડિફરન્ટ વેલ્યુ દીધી છે. જેવી રીતે એસિમેટ્રિક જે ટર્મ છે એની આપણે 23 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટ લીધી, બટ એક બીજી બુકમાં છે ને 19 મેગા ઇલેક્ટ્રોન વોટ દીધી છે, તો ડિફરન્સ કેમ છે સર? કઈ બુક રેફર કરી હતી તમે? એટલે હું પેલી નોટ્સ બનાવતો હતો ને તો એમાં ત્રણ ચાર બુકોનું મિક્સઅપ કરીને નોટ્સ બનાવેલી છે, ડીસી તયાલ, એસબી પટેલ, ક્રેન, એટલે અને જેમાં એમાંથી તમને નેચરલ. લેસર વેલ્યુ મળ્યો છે એ કઈ બુકમાં તમે જોયું છે? 19 mm એસિમેટ્રિક ઇફેક્ટ આઈ થિંક ક્રેન ની છે યા ફિર ડીસી તયાલ, ક્રેન, કારણ કે બુક મેં રિફર નથી કરી, બટ મારી જોડે ઓલરેડી પ્રિપેર્ડ નોટ છે. ઓકે ઓકે. તો એ મારે ચેક કરવું પડશે, કેમ કે જ્યાં સુધી યુ સી અધર બુક્સ, એસબી પટેલ ઓર ડીસી તયાર ઓર એની અધર બુક, યુ કેન ગેટ ધીસ સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ. ઓકે હા, એટલે પેલી એન્ડ પેરિંગ ની તો 33.5, મતલબ એપ્રોક્સિમેટ 30-40 બરાબર છે, બટ આ એ સિમેટ્રિક માં મને થોડો ડાઉટ ગયો, કારણ કે આપણે 23 લીધી છે. ये somewhat वो सब क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. तो एसिमेट्रिक इफेक्ट के लिए उन लोगों ने कौन से कंसेप्ट से वो कैलकुलेशन किया, क्योंकि ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, ज्यादातर तो चेंज होना नहीं चाहिए, बट ये फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है, तो आई वांट टू चेक कि भाई क्या रियली उसमें चेंज है तो सही है कि नहीं, वो कंफर्म करके मैं आंसर दे सकता हूँ आपको. ओके सर, क्योंकि वैसे हम बता रही है सब कांस्टेंट वैल्यू है, और बुक में भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू. अब आप कह रहे हो कि बुक में चेंज है, तो आई वांट टू रिफर कि एसिमेट्रिक इफेक्ट में क्यों ये वैल्यू लेस लिया है. हाँ सर, मैं आपको भेज दूंगा वो जो पेज है ना वो. हाँ कोई बिना, और आई विल ऑल्सो सर्च आफ्टर दिस लेक्चर कंप्लीशन कि भाई क्या उसमें ओके चेंजेस हो सकते हैं,
या नहीं हो सकते, कौन से पैरामीटर से चेंज लिया है, लिया क्योंकि बुक में दिया हो तो कुछ स्टैंडर्ड लेके ही दिया होता है, लेकिन हम एक बार चेक करके आई विल गिव यू आंसर। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट? ओके, तो अभी ये सब रिजल्ट्स हैं, उनके बाद के एक ऑब्जर्वेशन है डी के कब होता है, कैसा रहता है और उनके न्यूक्लियर क्या रहता है, अभी तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, लेकिन अभी एक ये यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन हो अभी तो आप पूछ सकते हो। मास कैराबोला तक लास्ट हमने डिस्कस किया है, इफ एनी स्टूडेंट नॉट अंडरस्टैंड दैट पार्ट सम पार्ट, तो आप अभी पूछ सकते हो कि सर हमें ये कंसेप्ट नहीं आ समझ आ रहा है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, पूरे सभी टॉपिक रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बट पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। शॉर्टर टाइम है इसीलिए मैं पूरा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप कहोगे तो वो टॉपिक मैं आपको फिर से रिपीट करके समझा सकता हूँ, क्योंकि समझ लोगे तो आपको आगे आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक टर्म एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आगे किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो कि सर हमें ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, तो आई विल रिपीट दैट पार्ट। एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी आपको लेना है, आप नहीं अटेंड कर पाओ या आपको कुछ डाउट्स है तो हम आपको बता सकते हैं। तो एक राकेश का क्वेश्चन था, 2 दिन से वो एक बार पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उनको एक डाउट है, तो आई रिपीट दैट सेशन, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था मैंने, तो वो एक बार मैं फिर से आज रिपीट कर देता हूँ और उनमें कोई क्वेश्चन हो तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा, 11 बजे आपका लेक्चर है, 10:45 हुआ है, 15 मिनट्स है, तो अभी 10 मिनट्स हमारे पास है, 5 मिनट का अटेंडेंस हो जाएगा। अभी क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे अच्छे हो गए थे, वो स्टार्टिंग डिस्कशन था और हमारा लेक्चर था 22 को, हमने ये लेक्चर लिया था इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो वहाँ पर हमने देखा था कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड ये इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया किस लिए हम कर रहे हैं परफॉर्म, टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसके पहले हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जहाँ अल्फा पार्टिकल बोम्बार्ड कर रहे थे और उससे हमें फाइंड आउट करना था कि न्यूक्लियर साइज कितना है। अभी हाउ द वहाँ पर ये बंदे ने क्वेश्चन भी कर दिया था राजन ने, उस आफ्टर अल्फा स्कैटरिंग कि इलेक्ट्रॉन हम जब देंगे तो क्या होगा, तो ये इंट्रेक्शन तो होगा ही क्योंकि न्यूक्लियस है सेंटर पे, यहाँ पर देख न्यूक्लियस ईयर, ये सेंटर न्यूक्लियस है और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अभी वो कितनी स्पीड पे आ रहा है, ये स्पीड इसकी स्पीड डिपेंड करती है, ये कौन सी स्पीड से आप सेंड कर रहे हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो वो इंटरेक्ट करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन से एंड दैट विल बी गोइंग टूवर्ड्स, यहाँ एकदम स्लोअर स्पीड है तो वो तो रिपल्सिव हो जाएगा, अभी हम तो जो बोम्बार्ड कर रहे हैं वेरी वेरी हायर काइनेटिक एनर्जी है और वो यहाँ पर एटम अप टू द न्यूक्लियस, या तो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगा या न्यूक्लियस में ऑब्जर्व हो सकता है या तो न्यूक्लियस से वो स्कैटर्ड हो सकता है। ओके, तो उसके लिए हमने डायग्राम यहाँ पे देखा था, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियस की ओर, जैसे हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन आप बोम्बार्ड कर रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा न्यूक्लियस से और उसको आप डिटेक्टर यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर उसके कंसेप्ट हमें देखने हैं कि जो हम इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहे हैं उसको आपको कौन से कंसेप्ट पे ले रहे हो, आइदर पार्टिकल फॉर्म ले रहे हो या वेव फॉर्म में चले रहे हो, तो एज वी गो फॉर यूजिंग द क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट डी ब्रोगली कंसेप्ट हम लेते हैं, तो वहाँ पर ड्यूअल नेचर हम कंसिडर कर सकते हैं, आइदर पार्टिकल नेचर और आइदर वी कैन टेक एज अ वेव नेचर। तो आप यहाँ पे हमने सब डिस्कस किया था आपके सामने है, लैम्बडा उसका क्या है, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी, ये सब हमने क्वेश्चन राइज किए थे कि हम लाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं लाइट वेव पास करके, तो नहीं कर सकते क्योंकि लैम्बडा की साइज देखोगे आप, वेवलेंथ तो देखो आप, लाइट का फ्रिक्वेंसी 10^15 हर्ट्ज़, और लाइट के लिए मैंने कहा था कि लैम्बडा आप कैलकुलेट करो। ओके, तो लैम्बडा हमारा कैसा होना चाहिए, जो वेव्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 10^-10 मीटर से तो कम ही होना चाहिए क्योंकि एटम से छोटा है न्यूक्लियस, एटम की साइज होती है 10^-10 मीटर, ओके, और न्यूक्लियर साइज 10^-14 मीटर, तो वेव्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वेवलेंथ 10^-10 मीटर से कम हो।
-10 मीटर हो तो भी वहां पे इतना नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमने न्यूक्लियर साइज अप्रोक्सीमेटली हमें मिल ही गया था रिजल्ट सुपर फोर्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, सपोज पता ही नहीं और फर्स्ट टाइम आप इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो इन लैब, तो आपको पता है एटम से छोटी होनी चाहिए, ओके वेव की लैम्बडा एटम से छोटी होनी चाहिए, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते जाओ और आपको रिजल्ट 10^-11 मीटर वाला लैम्बडा ले लो, 12 वाला 13, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलते रहे, आपको यहाँ पे स्कैटर्ड और बेटर रिजल्ट मिलते रहे, तो आप कह सकते हो कि हाँ अभी भी इनसे छोटा है। तो लैम्बडा डिपेंडेंट टर्म है और उसी बेस पे ड्यूअल नेचर और पार्टिकल रेडिएशन ऑफ वेव और डी ब्रोगली रिलेशन लेके हमने कैलकुलेशन किया था लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी, और पी जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा ओके उतनी वेवलेंथ कम होगी, तो यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हो उसकी मोमेंटम डिपेंडेंट है। अब मोमेंटम आप कैसी रख रहे हो उस हिसाब से साइज ऑफ न्यूक्लियस वहाँ पे मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर उसके हमने कैलकुलेशन किए थे जो स्टैंडर्ड रिजल्ट दिए, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, 10^9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके, और उसकी एनर्जी आप देखोगे जूल में 10^-10 जूल, और हमने कुछ लैम्बडा कैलकुलेट किया था, लैम्बडा मिलेगा आपको 10^-16 मीटर ओके। अब ये वैलिड है कि हाँ लैम्बडा बहुत बहुत कम है, अब आप जाके उन्हें पास करिए तो आपको कुछ मिलेगा। अब ये कंसेप्ट आपको क्या समझना है, न्यूक्लियस जो है आप कोई मटेरियल मैटर ले रहे हो, फॉइल ले रहे हो, जैसे ये फॉइल लिया था रदरफोर्ड ने, आपने गोल्ड फॉइल लिया या तो आपने कोई अलग फॉइल ले ली, तो आप वहाँ पर न्यूक्लियस देखोगे तो न्यूक्लियस के बीच में छोटे छोटे डिस्टेंस पर न्यूक्लियस है, तो वो कैसा एक्ट करेगा, न्यूक्लियस ग्रेटिंग की तरह एक्ट करेगा, ये जो हम ले रहे हैं ये दे विल एक्ट एज अ ग्रेटिंग ओके। ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में थोड़ा तो डिस्टेंस रहेगा ही, जब आप वेव्स पास करोगे यहाँ से वो क्या कर सकता है, डिफ्रेक्शन फिनोमेना मिल सकता है, दे विल बी डिफ्रेक्ट ओके। डिफ्रेक्शन कंसेप्ट आपने लेबोरेटरी ऑप्टिक्स में देखा है, ऑप्टिकल प्रैक्टिकल बीएससी में आपने किया होगा या फिर एमएससी, आप ग्रेटिंग लेते हो, लाइट वेव्स पास करते हो और आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, एक तो सेंटर मैक्सिमा मिलता है व्हाइट लाइट ओके, फिर फर्स्ट ऑर्डर पे आपको स्पेक्ट्रम मिलेंगे, सेकंड ऑर्डर पे मिलेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ डिस्कस किया था कि आपको स्पेक्ट्रम जो है सेंटर मैक्सिमा जो मिलेगा ओके फर्स्ट ऑर्डर पे, यहाँ पर भी ये जो आई ये फर्स्ट लिखा है ये फर्स्ट ऑर्डर पे स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ये ग्रेटिंग है। ग्रेटिंग मतलब क्या, कि जो आप ग्रेटिंग ले रहे हो उसमें बीच में ओपेक लाइंस ड्रॉ की रहती है, वेरी वेरी 15,000 लाइंस पर इंच, 2.54 सेंटीमीटर में 15,000 लाइंस होती है, उसके बीच में जो स्पेस होती है उससे डिफ्रेक्शन फिनोमेना होता है, और उसको गुजराती में आप कहते हो विवर्तन, हम गुजराती में विवर्तन ने कहवा आवे, एक कंसेप्ट आया लीधो छे ओके। वो कंसेप्ट लिया है कि डिफ्रेक्शन होगा जब न्यूक्लियस में आप पास करोगे, जब इलेक्ट्रॉन बोम्बार्ड करोगे न्यूक्लियस की ओर ओके, ये जो पहला डायग्राम है ये जब आप बोम्बार्ड करोगे तो डिफ्रेक्शन फेनोमेना होगा, और वो डिटेक्टर से आप उसकी डिफ्रेक्शन की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हो कि कहाँ मैक्सिमा आ रहा है कहाँ मिनिमा आ रहा है, तो जब आप उसे प्लॉट करोगे ये देखो ये मैक्सिमा और ये पॉइंट है मिनिमा, ये मिनिमा पॉइंट है यहाँ पर, ये भी मिनिमम पॉइंट है ओके। तो वो आप जब थीटा अलग अलग थीटा पे आप डिटेक्टर से डिटेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप डिटेक्ट कर रहे हो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पर्टिकुलर थीटा पे कितना आ रहे हैं, यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग पे जो थीटा कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया है, अब आप थीटा और कम बढ़ाते जाओ, ये सपोज ये आप 20 डिग्री है, 30 डिग्री पे आप देखो तो 30 डिग्री पे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल रहे हैं, 45 डिग्री पे देखोगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फिर 46, 47, 48, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, फिर से वो कम होता जा रहा है, ऐसा कुछ मिलता है। तो ये एग्जैक्ट कंसेप्ट हुआ कि मिनिमा कब मिलता है, यहाँ मिनिमा आ रहा है, तो ऑप्टिक्स की फॉर्मूला थी हमारे पास मिनिमा फॉर सर्कुलर अपर्चर ओके, हम लिखते थे डी इक्वल टू 1.22 लैम्बडा बाई साइन थीटा और एन लैम्बडा बाई साइन थीटा ओके, और मिनिमा के लिए कर रहे हैं, फॉर मिनिमा के लिए ये है सर्कुलर अपर्चर की फॉर्मूला 1.22 लैम्बडा, डी इसको डायमीटर, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है तो आर इक्वल टू 0.61 लैम्बडा बाई साइन थीटा, और वहां पे आप देखोगे लैम्बडा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करके रखी है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्बडा 10^-16 मीटर
ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला में, और थीटा ले लीजिए, साइन 45 पे मिनिमम आ रहा है, 45 रख दीजिए, और आप कह सकते हो आर की वैल्यू वो होगी 0.836 × 10⁻¹⁶ मीटर। ओके, इतना तो ज़्यादा रिजल्ट, आप 8.6 × 10⁻¹⁴ मीटर ये आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा हमने पूछा, ये रिजल्ट मैंने कहा था कि आप तो मोमेंटम कैसा ले रहे हो, या एनर्जी, उस पर डिपेंड करता है। ये पूरी फिजिक्स आपको ध्यान रखनी है, आप मोमेंटम क्या ले रहे हो, एनर्जी क्या ले रहे हो, लैम्ब्डा क्या कैलकुलेट कर रहे हो, फिर आपको ये जो थीटा कहाँ पे आपको ये मिनिमा मिल रहा है, वो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दिया है जो हमने अपने कैलकुलेशन में यूज किया। इफ यू रीड एनी रेफरेंस बुक और पेपर, यू कैन गेट सम आइडिया कि उसके किस तरह से रिजल्ट आ रहे। तो हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी। एनी क्वेश्चन राकेश इसमें कुछ आपको नहीं नहीं सर, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। वो मेथड पता नहीं थे ना, इसलिए, क्योंकि दूसरी बुक्स में तो वो रो डेंसिटी वाली दी है ना, तो इसलिए थोड़ा। हाँ, वो डेंसिटी कंसेप्ट पे भी आप ले सकते हो उसकी कैलकुलेशन, लेकिन ये इजी भी आप समझ सकते हो, तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट दिया। वो डेंसिटी की फॉर्मूला तो देखो, डेराइव करके तो नहीं दिया होगा, वो रू इक्वल टू रू जीरो बाय डिवाइड बाय 1 माइनस समथिंग, वो टर्म आ रहा है कुछ, हाँ, वो टर्म लिया है और उससे फिर तो कैलकुलेशन डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली वहाँ आंसर दे पर दिया है डायरेक्टली। रिजल्ट बता दिया। लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि वो जो फॉर्मूला है वो पूरा कंसेप्ट डेराइव करके आप समझ सकते हो, तब जाके उसकी डेप्थ में आप जा सकते हो। ओके वो सर, चाहे तो वो करना है तो हम कोई एक्स्ट्रा लेक्चर में वो डेप्थ देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा समझना और फीलिंग ये अच्छी रहेगी, इसलिए मैंने थोड़ा मैंने ये बताया आपको कि आप समझ पाओ और कैलकुलेशन भी कर पाओ। ओके, और चाहे आप वो सर जो वैल्यू है ना, एक्सप्रेस, वो एसपी पटेल में है, हाँ कौन सी, एसपी पटेल। हाँ वो एसबी बटन में शॉर्टली वो फॉर्मूला दे दिया, लेकिन उनका कुछ कंसेप्ट तो दिया नहीं कि भाई डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी ऑफ ये नहीं मैटर। सर, ये नहीं सर, हाँ वो सरफेस टर्म और वॉल्यूम टर्म के वैल्यू वाला, वो भी एसपी पटेल का ही है। ओके, उसमें अलग दिया है, हाँ, उसमें कैलकुलेशन करी हुई है चलो तो कि मैं देख वैल्यू लूंगा कैसे है। उसको। हाँ सर, ओके, एनी अदर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन है? ये मैंने रिवाइज किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपके फ्रेंड राकेश का डाउट था। इफ यू हैव एनी डाउट आप कभी भी पूछ सकते हो, तो हम कहीं फ्री टाइम और शॉर्ट टाइम में उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। 10:55 हो चुके हैं, अभी गो फॉर अटेंडेंस, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। अभी कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो, 1 मिनट इज देयर।